अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैमिस किचन। आज बना रहे हैं हम शकरकंदी वाली फ्रूट चाट जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आज की इस वीडियो में शकरकंदी बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि जिससे शकरकंदी बहुत अच्छी और मीठी बनेगी। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने शकरकंदी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि इस पर जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी होती है वो सब वॉश आउट हो जाए। और अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे और ऑयल हमें सारी साइड्स पे अच्छी तरह से लगाना है। इससे ये होगा कि जब शकरकंदी पकेगी एक तो वो नीचे नहीं लगेगी और दूसरा इस तरह से ऑयल लगाने से जब शकरकंदी को हम पकाते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छी सी और सोंधी सी खुशबू आने लगती है। अब इसमें मैं हाफ कप जितना पानी डाल रही हूँ। पानी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा पानी डालने से ये होता है कि शकरकंदी की जो मिठास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बस अब हम इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 20 मिनट्स लगे हैं और शकरकंदी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी ये गल चुकी है। तो बस अब हम इसको पील ऑफ करेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो शकरकंदी को मैंने पीसेस में कट कर लिया है, ये मैं बाउल में डालूंगी। और इसके साथ जो हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे उसमें मैंने यहाँ पे खरबूजा लिया है, इसको भी मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अमरूद। अमरूद के मैंने बीज निकाल लिए थे और इसको फिर पीसेस में कट किया था। अब इसमें हम सेब डालेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे केले और अब हम इसमें डालेंगे अनार और अब ऐड करेंगे इसमें हम चाट मसाला। चाट मसाला यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना लिया है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी मैंने चीनी ली है ये इसमें डालेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं चीनी को। और अब इसमें हाफ लेमन को स्क्वीज करेंगे और ये मैंने 1 कीनू लिया है, इसके भी मैंने 20 निकाल लिए हैं, तो ये भी हम इसमें स्क्वीज कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाट में। और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है और जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रूट चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और शकरकंदी फ्रूट चाट में बहुत मज़ेदार लगती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कुक विद मी।